हेलो दोस्तों, हम तो आज कहूँ गए नहीं, और 2 दिन से भी 3 दिन से नहीं जा रहे थे, और घर में ही वीडियो बनाया। आज मैं बच्चों को पढ़ाया, तो आप देख लिए। मैं मिलता हूँ कल के ब्लॉग में, जो मैं क्या करता हूँ। मैं कल भी पढ़ाऊँगा, तो कल भी शायद मैं वीडियो को वही डालूँगा। चलता हूँ, तो मिलता हूँ कल के ब्लॉग में। गुड नाइट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ, जो बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है। मैं आज इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। मैं 2-3 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अनुभव हो गया कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारा सर्च मारा हूँ कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो आज तक नहीं मिला। तो चलिए, आज मैं ये बताने वाला हूँ कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाता हूँ। अगर आप मेरे उम्र के शिक्षक हैं या आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इस तरह से पढ़ाए। आए आप गार्जियन हैं, तो आप इस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो चलिए, हम बताता हूँ कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। शुरू से हम बताता हूँ मैथ। तो आप देखिए, मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि किस तरह से पढ़ाना है। सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों के लिए? सबसे पहले बच्चों को 1 से 100 तक गिनती आना चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? 1 से 100 तक गिनती बच्चों को आना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों को याद होना चाहिए, 1 से 100 तक गिनती चिन्ह आनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। अब इसके बाद क्या आना चाहिए बच्चों को? 25, 12, 18, 12, 16, 28, यानी इस तरह से बच्चों को लिखने आना चाहिए कि 25, 28, 12, 15 इस तरह से कैसे लिखाता है। तो इसके बाद बच्चों को हम इस तरह से बताएंगे। मान लीजिए सब बच्चों को चिन्हने आ गया, लिखने आ गया, इसके बाद अब हम ये बताएंगे। चलिए, बच्चों को सबसे पहले पहला मैथ होगा, पहला मैथ इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये कितना है? 3 लिखा हुआ है। चलिए, मैंने लिख दिया हूं, ये कितना है? 3, 8, 6, 12। इसे 3, 8, 6, 12। तो बच्चों से इस तरह से बोलूंगा, ये कितना है? 3 लिखा हुआ है। तो बच्चों से बोलूंगा कि 3 डंडा पारो, यानी 3 चिन्हा पारो, 3 डंडा या 3 डंडा या 3 चिन्हा पारो। इस तरह से 1, 2, 3, चाहे 1, 2, 3। फिर यहाँ कितना है? 8 है, यानी 8 है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से बताना है। फिर है 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर नीचे कितना है? 12 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हम बच्चों को इस तरह से पहले पहला मैथ शुरू से बच्चों को पढ़ाने का यही तरीका है। सबसे पहले इस तरह से हम लिखवाएंगे बच्चों को। अब इसके बाद चलिए, क्या सिखाना है बच्चों को, तो मैं दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद आता है इस तरह का मैथ। अब फिर उसी तरह से बच्चों को बताऊंगा कि इस तरह से देखिए, गिनवाएंगे उंगली से कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ लिख देंगे 8, बच्चों को बोलेंगे लिखो वहां 8, सामने सामने लिखना है। यहाँ पर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
तो यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। इस तरह से बच्चों को हम बताऊंगा, और ऐसा ऐसा जो मैंने इसके पहले पढ़ाया तो ऐसा ऐसा मैथ और ए वाला मिलाकर कम से कम 300-400 बार इस तरह से पढ़ाना है बच्चों को, ताकि दिमाग में अट जाए कि नहीं, इस तरह से 5 इस तरह से लिखा था, 10 इस तरह से लिखा था, 8 इस तरह से लिखा था, 15 इस तरह से लिखा था, 20 इस तरह से लिखा था। बच्चों को दिमाग में आने चाहिए कि 10 ऐसे लिखा था, 12 ऐसे लिखा था, 5 ऐसे लिखा था, 10 ऐसे लिखा था, इस तरह से बताऊंगा ताकि बच्चों को दिमाग में आ जाए कि 15-5 कैसे लिखना है और वो सीख जाए। अब इसके बाद हम इस तरह का जोड़ बताऊंगा। तीसरा में है 3+4=8+6=4+7=। इस तरह का तीसरा चैप्टर है इस तरह का। पहला में कितना लिखा है 3, मैंने बता दिया तीन को क्या लिखना है, 3 चिन्ह पढ़ना है, तो पढ़ेंगे 1, 2, 3, 3 हो गया। इधर कितना है 4, 4 चिन्ह पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4। अभी गिनेंगे, बच्चों से बोलेंगे गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ लिखवा देंगे बच्चों से 7, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ये कितना है 8 है, तो यहाँ 8 चिन्ह पढ़ूंगा, 8 यानी 8 है, 8 चिन्ह पढ़ूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर कितना 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब यहाँ पर पूरा यहाँ से यहाँ तक गिनवाऊंगा, शुरू से अंत तक लगातार गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ लिख देंगे 14, ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहाँ कितना है 4 है, तो 4 चिन्ह पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 7 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इधर पूरा गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ 11 लिखवा देंगे। बच्चों को इस तरह से मैथ पढ़ेंगे। अगर पहले तो सबसे बच्चे पहले को 1 से 100 तक गिनती आना चाहिए, और फिर उसको गिनती चिन्हने आना चाहिए, गिनती पढ़ने आना चाहिए और गिनती लिखने आना चाहिए। अगर बच्चों को इस तरह से आ गया तो इस तरह का मैथ हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों को, ताकि दिमाग में अट जाएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगला वीडियो में, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।